तरीके से अपन कंसल्टेंसी करके उस चीज को घर बैठ के भी अपन किस तरीके से अपन कंसल्टेंसी करके बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे कि अपने गूगल साकी में तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसी का एक छोटा सा हम लोगों ने जो कैलकुलेशन निकाला है कि 1 मंथ की कंसल्टेंसी यानी कि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का कितना बड़ा महत्व है। यानी कि एक मैं हूँ, मेरे नीचे अगर 2 लोग 1-1,000 की कंसल्टेंसी करते हैं और हर लोग अपने नीचे 2 लोगों को कंसल्टेंसी करवाता है, तो बीच में अपन 10-10 हजार वाला मिनी सीपी बहुत इजी वे में कर सकते हैं और इसी से अपन मंथली इनकम बहुत अच्छी वे में ले सकते हैं। यानी कि कंसल्टेंसी करके या फिर अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस करके, यानी कि पर डे अपन 2 घंटे या 4 घंटे वर्क करके इससे एचएचआई से इतनी अच्छी इनकम ले सकते हैं जिसकी अपन ने कभी सोचा था कि अपन किस तरीके से इसको कर सकते हैं। यानी कि अपन अगर कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा महत्व है, इसके बारे में हम लोगों ने जो प्लान एक तैयार किया है, यानी कि सर ने कल जब हमको बताया कि मंथ की जो अपनी कंसल्टेंसी है उसको किस तरीके से करा जाए, और कल हमने जो देखा कि आशु सर की टीम में यानी कि 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत अच्छे तरीके से लेडीजों ने किया, और वहां पे उनकी लेडीजों की बहुत अच्छी टीम थी जो कि क्या कहते हैं मनाली टूर तक उन्होंने अचीव कर लिया है मात्र 11 तारीख से पहले। यानी कि किस तरीके से उन्होंने कंसल्टेंसी करी होगी, यानी 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम टीम में अपन ने 2 लोगों से करवाया तो 4 लोगों से करवाना रहेगा और अपना 20 हजार से अपना गोवा मनाली क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर न्यू पर्सन है तो वो अपने डेली नीड के प्रोडक्ट लेके 15-15 हजार से किस तरीके से अपना मनाली क्वालिफाई कर सकता है। तो इस चीज के लिए अभी जैसे कि